नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज हम बात करेंगे सीटी साइकिल के बारे में। जब आप आरटीपीसीआर का टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है जिसको कि हम सीटी साइकिल बोलते हैं। तो उसको लेके काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो मेरा सीटी स्कोर है वो हाई है या मेरा सीटी स्कोर लो है, तो उसका मतलब क्या, मतलब हम उससे क्या अर्थ निकालें। तो सबसे पहले समझते हैं ये सीटी साइकिल होता क्या है। देखिए, जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। इसमें हम जो सैंपल्स लेते हैं उनमें जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एम्पलीफाई करते हैं, जो मशीन है उसको एम्पलीफाई करती है और उसके बाद उस पार्टिकल को वेरियस साइकिल्स के थ्रू रन करती है। तो ये जो सीटी साइकिल है, इसका मतलब है इतनी साइकिल के थ्रू हमें जाना पड़ा तो ये वायरस डिटेक्ट हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर जल्दी डिटेक्ट हो गया, मशीन ने अगर जल्दी डिटेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब उसमें जो लोड है वो हाई है और मशीन उसको आसानी से डिटेक्ट कर पाती है। लेकिन जब वायरस के पार्टिकल्स कम हैं तो उसको ज़्यादा एम्पलीफाई करना पड़ता है, तो मशीन को उतनी ही साइकिल्स ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो सीटी साइकिल है ये, अगर जो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर लोड, सिवियर ऐसे हम उसको करके वो कर सकते हैं क्लासीफाई। तो जो वैल्यूज हैं वो तो अप टू 40 तक, जनरली बहुत सारे लैब्स की जो मशीन्स हैं वो अप टू 40 तक जाती हैं। उसके बाद भी अगर वायरस डिटेक्ट नहीं होता है तो उसको टेस्ट को नेगेटिव बोल देती हैं। तो अब देखिए, ये जो वायरल लोड है ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिटेक्ट करता है, डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप डिजीज सिवियरिटी को समझना शुरू करेंगे, बीमारी जो है वो कैसे चलती है। शुरू में अगर आप टेस्ट करा लेते हैं, सपोज मैं बीमार हुई और मैंने तीसरे दिन या चौथे दिन ही टेस्ट करा लिया, उस वक्त जो वायरस है मेरे नेजोफेरेंजल या ओरल स्वैब में, उस वक्त जो वायरस का लोड है वो वायरस का लोड कम है। तो जो सीटी साइकिल, उसको जब आरटीपीसीआर टेस्ट जब हम करेंगे तो उसको जो सीटी साइकिल्स हैं उसको हायर एम्पलीफिकेशन लगेगी। तो हो सकता है उस वक्त मेरा आरटीपीसीआर का जो सीटी साइकिल है वो 25 आए या 30 आए, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ग्राफ देखिए आप, अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है और वायरस की जो रेप्लिकेशन है जब वो बढ़ जाती है, और अब अगर मैं सैंपल लेती हूँ तो हो सकता है मेरा जो सीटी थ्रेशोल्ड है वो 15 आए, मतलब मेरा जो सिक्रीशंस हैं या फिर जो स्वाब लिया है उसमें वायरस का लोड ज़्यादा है। तो और ऐसे ही जब डिजीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे कि 2 हफ्ते हो गए हैं या 3 हफ्ते हो गए हैं, उस वक्त जो वायरस का पार्टिकल है, मतलब वायरस है वो ख़त्म हो चुका है बॉडी में, हो सकता है इसके छोटे मोटे पार्टिकल्स पड़े हों, और जब हम टेस्ट करें और एम्पलीफाई करें तो सीटी थ्रेशोल्ड 30 के ऊपर आए। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस जो सीटी वैल्यू है इसका मिस इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वायरल लोड ज़्यादा है तो डिजीज सिवियरिटी ज़्यादा होगा। ऐसा पिछले साल काफ़ी सारे स्टडीज़ हुए हैं सीटी वैल्यू पे, और उसके बाद कुछ स्टडीज़ ने ऐसा पॉइंट आउट किया है कि जो वायरल लोड अगर ज़्यादा है, सीटी वैल्यू अगर लो है, लाइक 15 है या 20 है, तो वो पेशेंट ज़्यादा सिवियर कैटेगरी में जाते हैं, इंट्यूबेट हो जाते हैं, वेंटिलेटर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए, छोटी और आइसोलेटेड स्टडीज हैं, मेजर स्टडीज ने किसी ने भी डायरेक्ट कोरिलेशन प्रूव नहीं किया है सीटी वैल्यू का। इसके अलावा जब भी हम स्वाब लेते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा स्वाब पहली कौन सी स्टेज ऑफ बीमारी में लिया गया, जल्दी ले लिया गया या वायरस एडिक्वेट रेप्लिकेटेड था तब लिया गया। दूसरा, क्या वो स्वाब ठीक लिया गया, कई बार स्वाब कलेक्शन ही ठीक नहीं होता, कई बार ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं होता कि ट्रांसपोर्ट ठीक प्रॉपर मेथड से ना हो, और जो लेबोरेटरीज हैं वो भी हमारी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो देखिए, सीटी वैल्यू का एज सच आप लोगों पे कोई मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सीटी वैल्यू लो है तो मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। हाँ, डॉक्टर्स उसको यूज़ करते हैं, अगर मेरे पास एक पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे है या जो आईसीयू में है काफ़ी समय से और 2 या 3 हफ्ते हो गए, तो उस पेशेंट का मैं आरटीपीसीआर भेजती हूँ, उस केस में मैं सीटी वैल्यू देखती हूँ, उससे मुझे ये पता चलता है ये पेशेंट इन्फेक्शियस है या नहीं है। और अगर हम सारी कंडीशंस देख लें उसके बाद अगर सीटी वैल्यू लो है तो ये डेफिनेटली पॉइंट आउट करती है कि पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, सीटी वैल्यू का बहुत ज़्यादा कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई ऐसा फिक्स्ड कट ऑफ नहीं है जैसे बहुत से डॉक्टर्स या बहुत से साइट्स आपको दिखेंगे जो बोलेंगे 24 सीटी का एक कट ऑफ है, विच इज़ लाइक यू नो, उससे अगर उससे ज़्यादा सीटी वैल्यू है तो आप नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं है। सो डिपेंड करता है आप किस स्टेज में हैं और आपने टेस्ट कब कराया है, उसी पे डिपेंडिंग रहेगी सीटी वैल्यू। एंड सो दिस वाज रिगार्डिंग द सीटी वैल्यू, एंड ऑब्वियसली पेंडेमिक इज एट फुल ब्लो, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप योर लव्ड वन सेफ। नमस्कार।